हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये सभी एमसीक्यू जो आपको दिए जा रहे हैं वो जून और मार्च 2023 साइकिल के क्वेश्चंस हैं और इन्हें एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही थॉरली वे में, जिससे कि आप इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेंड अनदर पर्सन्स बैंक डिटेल्स इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि अगर हम किसी पर्सन को उसकी बैंक डिटेल्स फ्रॉड के तौर पे प्राप्त करने के लिए कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ऐसे एक्शन को क्या कहा जाएगा आपके। तो मैं आंसर बताने जा रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर गेस कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्मैशिंग। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखकर आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि आपको यहाँ पर रुककर इन सारे बाकी के वर्ड्स का मीनिंग भी समझना है। मैं यहाँ पर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ अदर वर्ड से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ पर हम इन सभी के मीनिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन टू URL, ऑप्शन थ्री HTTP, ऑप्शन डी ISP। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप किसी सेट ऑफ रूल्स को किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी होती है। तो मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ, आप पॉज करके गेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी HTTP, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी रुककर आपको बाकी के फोर वर्ड्स का आंसर भी समझ लेना है, इनका क्या मीन है, क्योंकि अगली बार आपके पेपर में इनमें से कोई ऑप्शन पूछा जा सकता है या इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आइए एक बार इसके फुल फॉर्म पर नज़र डालते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को आप गूगल ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेंड अदर पर्सन्स बैंक डिटेल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी फार्मिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी स्मिशिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर गेस कर सकते हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए फिशिंग। तो यहाँ पर आपको पिछला क्वेश्चन याद आना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर स्मिशिंग था और इस क्वेश्चन का आंसर फिशिंग है, जबकि दोनों में ही आप जो बात कर रहे हैं वो फ्रॉड की कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन के बैंक डिटेल्स को फ्रॉडली या उसे डिसीव करके, उसे धोखा देकर उससे उसकी बैंक डिटेल्स पाने की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है दो बातों का। स्मिशिंग के लिए हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जबकि फिशिंग के लिए हम फ्रॉडुलेंट मेल करते हैं। यहाँ पे फ्रॉड के लिए मेल किया जाता है, ना कि किसी अदर पर्सन को टेक्स्ट मैसेज किया जाता है। अगले वर्ड्स पर आते हैं, स्पैमिंग। स्पैमिंग आपको पता है कि जब आप किसी के भी डेटा को प्राप्त करने के लिए ईमेल पे किसी को कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं, किसी को फ्रॉड में एक ऐसी कंपनी बन के कॉल करते हैं या एक ऐसे अथॉरिटी बन के कॉल करते हैं, ईमेल के थ्रू उसे मैसेज कर रहे होते हैं, उसे मेल कर रहे होते हैं, तो उसे फिर स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन, CDs एंड DVDs आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। स्टेटमेंट टू, लेज़र प्रिंटर्स आर मेड अप ऑफ अ प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट स्प्रेज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर ऑफ फॉर्म कैरेक्टर्स। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि CDs और DVDs जो हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं, और स्टेटमेंट टू आपसे कह रहा है कि जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें एक प्रिंट हेड दिया जाता है जिसमें कुछ इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि पेपर पे कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए उन ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते हैं। ठीक है, यानी ड्रॉपलेट्स उस पर डाल दी जाती हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसमें प्रिंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका भी आंसर बताने जा रही हूँ, आप वीडियो को वैसे ही पॉज करें और अपना आंसर गेस करें।
या दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटा सा आपको डिफरेंस कर दिया गया है। यस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब ये सही कैसे है और गलत कैसे है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सीडीज़ और डीवीडीज़, यस ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें मैंने वर्ड चेंज कर दिया है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो इंकजेट प्रिंटर का है, जबकि जो नाम दे दिया है वो लेज़र प्रिंटर का दे दिया है। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कि आपको सिर्फ ये सोच के आगे नहीं बढ़ जाना है कि सीडीज़ और डीवीडीज़ जो हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हैं। इनके फुल फॉर्म को भी एक बार दोहराइए, सीडी कॉम्पैक्ट डिवाइस, और डीवीडीज़ का जो आंसर है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में डीवीडी का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो लेज़र लाइट जो उसकी लेज़र रेज होती हैं उसके थ्रू प्रिंट करता है, उसको इंक जेट नहीं, इंक की ज़रूरत नहीं होती है इस तरीके से कि उसमें इंक ड्रॉपलेट्स लगाए जाएं, ऐसा इंक जेट प्रिंटर में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके ऑप्शंस हैं वन गूगल अर्थ, सेकेंड दीक्षा, सी MySQL। तो इन तीनों में ही आपको पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, ठीक है, ओपनली अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको एक्सेस के लिए। तो मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर गेस करें, उसके बाद तय करें कि आपका आंसर सही था या नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स आप ऐसे ही बैठ कर सिर्फ इस वीडियो को मत देखिए, एक पेन पेपर उठाइए और 1 2 3 4 मार्क करके टिक करते जाइए कि आप कितने आंसर्स को गेस करके ठीक कर पाए, या कितने आंसर्स आपको आते थे, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसका आपको आइडिया ही नहीं था। इवेल्युएशन भी ज़रूरी है। सो आंसर है ऑप्शन ए बी सी ऑल, यानी ये तीनों ही जो हैं वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो ओपनली एक्सेस के लिए आपके लिए अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ कि इन तीनों वर्ड्स को आपको गूगल करना है और बहुत ही ब्रीफ में कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि इन सब का मीन क्या होता है। याद रखिए जो हम लिख देते हैं वो हमें याद हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वेब 3.0। ऑप्शन ए वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पुट्स यूजर्स डेटा एंड वेब कंटेंट इनटू यूजर्स हैंड, सेकंड सेंट्रलाइजेशन इज अ कोर टीनेट ऑफ वेब 3.0, ऑप्शन सी इन वेब 3.0 ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस विल थ्राइव इन द कमिंग ईयर्स। शॉर्ट में इसका मतलब समझ लेते हैं। आपको पता है कि जैसे हम नेटवर्क में बात करते हैं 4G 5G, वैसे ही जो वेब के यूजेस हम लेते हैं उसका भी एक जनरेशन होता है। तो प्रेजेंटली जो हम जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जनरेशन है, जिसमें हम बहुत ही हाईली अपडेटेड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे फीचर्स क्या क्या आपको दिए जा रहे हैं, फर्स्ट फीचर है कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो वेब कंटेंट को यूज़र के हैंड में रखती है, आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, आपने मेल में कुछ भी सेव कर रखा है, आपने अपनी ड्राइव में कुछ भी सेव कर रखा है, जहाँ पर भी आपका जो भी डेटा है आप उसे फटाफट से एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो कहता है कि वेब 3.0 ने सभी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया है, एक जगह नैरो बाउंड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वेब 3.0 जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस के लिए हमें आगे जाके और ज़्यादा फलने फूलने का मौका देगा। थ्राइव का मतलब मीन होता है कि किसी चीज़ को फलने फूलने देना और ज़्यादा आगे बढ़ने देना। तो यस आपका आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, लेकिन आपके ऑप्शन बी कैसे गलत है ये भी समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन इज़ अ कोर टेनेट ऑफ वेब 3.0। फ्रेंड्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जितना ज़्यादा हम अपडेटेड होते जाते हैं हमारी जो एक्सेस होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब बहुत ज़्यादा फैलते जाना, और भी ज़्यादा चीज़ों का हमें एक्सेस मिलता जाता है, हम चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं करते, संकीर्ण नहीं करते, बढ़ाते जाते हैं। सो एज सेम यहाँ पर भी आपको गूगल करना है वेब 1.0, वेब
2.0 और वेब 3.0, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को आपको गूगल करना है और देखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि 1.0 वो एरा था जहाँ पर हम 2G वाला टाइम यूज़ करते थे, वेब 2.0 का टाइम था जब हम 4G वाले टाइम पर आ गए थे, लेकिन चीज़ों का एक्सेस फिर भी थोड़ा कम था, और अभी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द इन्वेंटर ऑफ WWW इज़ बिल गेट्स। स्टेटमेंट टू कह रहा है IPV प्रोटोकॉल डिफाइंस एंड IP एड्रेस ऑफ 128 bits। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर गेस कीजिए, मैं आंसर बताती हूँ आपको। बट उससे पहले WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें रिवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक टाइम पे जाके ये हमें कंफ्यूज करने लगती हैं अगर हम इन्हें रिवाइज़ नहीं करते। तो चलिए आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है, और ऑप्शन टू जो है वो सही है। ठीक है, कैसे गलत है और कैसे सही है समझ लेते हैं। द इन्वेंटर ऑफ WWW बिल गेट्स नहीं है, ये टिम बर्नर्स ली है। सो यस फ्रेंड्स, WWW को गूगल कीजिए और इससे रिलेटेड कुछ और खास बातों को समझ लीजिए कि टिम बर्नर्ली इससे पहले जब उन्होंने WWW को इन्वेंट किया था तो वो सेर्न नाम की एक कंपनी में काम करते थे, CERN सेर्न नाम की एक कंपनी में वर्क करते थे जब उन्होंने इसे कहीं ना कहीं इन्वेंट किया था। नेक्स्ट आते हैं IPv6 प्रोटोकॉल। IPv6 के लिए जो बिट्स यूज़ की जाती हैं उसका नंबर होता है 128। ठीक है, अब आपको गूगल कर लेना है कि IPv4 प्रोटोकॉल के लिए क्या बिट्स होती हैं, उनका नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हम लिख देते हैं वो हम याद कर लेते हैं। चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इसके साथ ही बताइएगा कि ऐसी कौन सी और यूनिट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड किए जाएं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।